نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته के ऊपर मेरे ही शयूख मेरे ही उस्ताद और सातजा मुझे पढ़ाते थे। मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं उनका सदका जारिया किसी के लिए उसके घर वाले आजमाइश हैं, किसी के लिए उसकी उसका कारोबार नहीं सका, पर हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आजमाइश है। ऐसा शायद कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में आजमाइश ना हो, चाहे वो माल से रिलेटेड हो, चाहे वो औलाद से रिलेटेड हो, चाहे वो घर बाल से रिलेटेड हो, चाहे वो जान से रिलेटेड हो। किसी के पास अगर दौलत है तो शायद सेहत नहीं है, अगर सेहत है तो शायद घर नहीं है, अगर घर है तो माँ बाप नहीं है, अगर माँ बाप हैं तो औलाद नहीं है, अगर औलाद है तो औलाद की सेहत नहीं है, अगर औलाद की सेहत है तो कारोबार नहीं है, अगर कारोबार है तो शायद उसमें बरकत नहीं है, अगर कारोबार में बरकत नहीं है शायद उसमें लॉस है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में आजमाइश ना हो, चाहे वो मोमिन हो या चाहे वो काफिर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए ये जन्नत है। ये मोमिन के लिए कैद खाना क्यों है, ये मोमिन के लिए एक कैद खाना क्यों है? क्योंकि मोमिन ही वो ऐसा शख्स है, मोमिन ही ऐसा वो बंदा है जो एक बाउंड्री के साथ रहता है, जो बाउंड्री के अंदर जीता है। उसके लिए सब कुछ डिफाइंड है, क्या हराम है क्या हलाल है। वो इबादत भी अल्लाह ताला के हुक्म से करता है, वो जो चीज़ हराम है उससे बचता भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही है, वो जो चीज़ें करता है जो हलाल है वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो हराम है और जो हलाल है उसको बहुत वाज़ह कर दिया गया है, और उसके बीच में जो ग्रे एरिया है वो एक फील्ड है जिस पे अगर कोई बकरी छोड़ दे तो वो हर हाल में उस बकरी के पास जाएगा, वो हर हाल में उस फील्ड के पास जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। तो फिर आखिर क्यों अल्लाह ताला इतनी आजमाइशों से, इतनी मुश्किलातों से, इतनी मुसीबतों से मोमिन को या फिर किसी इंसान को गुजारता है? क्या अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि मैं कितनी मुश्किलात से गुजर रहा हूँ? क्या अल्लाह ताला देख नहीं रहा मैं कितनी मुसीबतों से गुजर रहा हूँ? क्या अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि मैं कितनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ?
कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि मेरे लिए मेरी मेरे बॉस कितना मुझे तंग कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि मैं कितनी मेहनत से काम कर रहा हूँ मैं फिर भी मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि सारे काम मैं ही कर रहा हूँ वो अगला नहीं कर रहा उसकी प्रमोशन हो रही है पर मेरी नहीं हो रही, कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि वो मेरे रिश्तेदार मेरे साथ कितना जुल्म करते हैं, कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कितना जुल्म करते हैं, कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा कि मेरी बेटी अभी पैदा हुई है और उसको 6 महीने हो गए वो अभी तक वेंटिलेटर पे, कि अल्लाह ताला ये सब कुछ देख नहीं रहा, कि अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ये जानता नहीं है कि मैं कितनी मुश्किलात से कितने दर्द से कितनी परेशानियों से ये चीज़ें देखता हूँ, अपनी बेटी को देखता हूँ कितनी मुश्किलात से वो गुजर रही है, कितने मुश्किलात से मैं अपने औलाद को देखता हूँ वो इतनी परेशानियों से गुजर रही हैं, कि अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि मेरी नौकरी नहीं है, कि अल्लाह ताला ये नहीं देख रहा कि मैं रोज़ाना इतनी गर्मी में बस पे लटक के या फिर इतने हुजूम में कोरोना की सिचुएशन में काम पे जा रहा हूँ, कि अल्लाह ताला को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, कि अल्लाह ताला को ये पता नहीं है मेरे दिल के एहसास, कि अल्लाह ताला को पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ पर मैं फिर भी चुप करके ये सारी चीज़ें सह रहा हूँ, कि अल्लाह ताला ये जानते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या गुजर रहा होता था, कि अल्लाह ताला ये जानते नहीं थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया और वो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे कि काश मुझे ये वापस बुला लें, कि अल्लाह ताला जानते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रहा था, कि अल्लाह ताला ये जानते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तीनों बेटियों को तलाक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर क्या गुजरा, कि अल्लाह ताला ये जानते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या गुजरा जब ताइफ के उन बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो पत्थर और पथराव और बुली करे फजूल में, कि अल्लाह ताला ये जानते नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या गुजरा था जब उनके वो 40 सहाबी वो 40 रिसोर्सेज जिनके ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत इतना लगन इतनी जान इतनी कोशिश करके उनको तैयार किया था उनको शहीद किया गया था, कि अल्लाह ताला जानते नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या गुजर रहा था जब मुसलमानों को भूखा मारा जा रहा था, जब मुसलमानों को पूरा का पूरा बायकॉट कर दिया गया था, जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर एक पत्थर गरम पूरी रेत के ऊपर गरम रेगिस्तान के ऊपर रख के उनके ऊपर उनसे ज़बरदस्ती कलमा उनसे ठुकराया जा रहा था, कि अल्लाह ताला ये सब कुछ जानते नहीं थे, कि अल्लाह ताला जानते नहीं है कि मेरे साथ क्या गुजर रहा है आपके साथ क्या गुजर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला क्यों हमें इतनी आजमाइशों से गुजारते, अल्लाह ताला क्यों हमें इतनी मुश्किलात से गुजार रहे, अल्लाह ताला क्यों हमें इतनी मुसीबतों से गुजार रहे। कुरान की एक आयत है कि जब इंसान के पास सब चीजें होती हैं ना, जब उसके पास पैसा भी होता है, कोई मुश्किलात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कारोबार भी सही चल रहा है, चीज़ें भी सही चल रही हैं, फैमिली भी सही चल रही है, रिलेशनशिप भी सही चल रही है, हुकूमत भी सही चल रही है, काम भी सही चल रहा है, वो अल्लाह ताला को याद नहीं करता था। वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला कौन है उस वक्त, वो तो कहता मैं ही हूँ और मैं ही हूँ सब कुछ, कि मेरा ही करना था सब कुछ, मेरी ही मेहनत थी, मेरा ही सब कुछ था। तो इस वक्त अल्लाह ताला उसको थोड़ी सी एक आजमाइश में से गुजारते हैं, थोड़ी सी एक परेशानी से गुजारते हैं कि वो अल्लाह ताला को याद कर सके, कि वो अल्लाह ताला को गिर के लेट के खड़े होके बैठ के अल्लाह ताला को याद कर सके, कि वो अल्लाह ताला को याद कर सके कि अल्लाह ताला तू ही है जो मुझे इस परेशानी से निकाल सकता है, कि अल्लाह ताला तू ही है जो मुझे इस मुसीबतों से निकाल सकता है, कि अल्लाह ताला तू ही है जो मुझे उस मुश्किलात से निकाल सकता है। और सुभान अल्लाह, जैसे ही अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से निकालता है, जैसे ही अल्लाह ताला उसको उस परेशानी से निकालता है, जैसे ही अल्लाह ताला उसको उस मुश्किलात से निकालता है, वो फिर अल्लाह को भूल जाता है, वो फिर अल्लाह को याद नहीं करता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि अल्लाह ताला लोगों को आजमाइश में और उस लेवल की आजमाइश से गुजारता है
जिस लेवल का उसको रिवॉर्ड देना होता है। मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़बरदस्त रिवॉर्ड देना था, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुश्किलात से, इतनी परेशानियों से, इतनी मुसीबतों से, इतनी मुश्किलातों से गुजारा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप को नहीं देखा? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही उनके दादा उनका ख्याल रख रहे थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया? जब उनके 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 अंकल जब उनके ख्याल रख रहे थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो पहली बीवी थी, जो उनकी एक सहारा थी, जो उनको सहारा बनी थी, सबसे मजबूत एक सहारा था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटा पैदा हुए थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन फैलाने के लिए, ये दीन पहुँचाने के लिए कुफार को जितनी मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारी थी, वो भी गुजारना ज़रूरी था, क्योंकि जो रिवॉर्ड एंड में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना था, वो बहुत ज़बरदस्त था। आज तक 1400 साल तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 500 नमाज में याद रखते हैं। आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम 24 घंटे याद रखते हैं। दुनिया में कोई कोना नहीं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम नहीं पेश हो रहा हूँ। प्लीज़ जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप दुरूद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम प्लीज़ बोल दिएगा। तो अल्लाह ताला इस वजह से हमें इतनी मुश्किलातों से, इतनी परेशानियों से, इतनी मुसीबतों से निकालता है। आप सल्लम की एक और हदीस है जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है, जिस शख्स से मोहब्बत करता है, जिस इंसान से मोहब्बत करता है, उसको आजमाइश में डालता है, उसको परेशानी में डालता है, उसको मुश्किलातों में डालता है। और अगर उसने उस परेशानी को, उस मुश्किलात को, उस आजमाइश को सब्र से कबूल करा, सब्र से उसके राज़ी हुआ, तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी होता है। पर अगर अल्लाह ताला, अगर उस शख्स ने उस आजमाइश को, उस मुश्किलात को, उस परेशानी को राज़ी नहीं हुआ, उससे उससे सब्र नहीं करा, तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी नहीं होता। अल्लाह ताला सब जानते हैं कि आप किस हाल में गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला सब जानते हैं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला सब जानते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं जॉब पे, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप कारोबार में, पर आपको उसकी बरकत नहीं मिल रही, उसकी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके बेटे, आपके बच्चे कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर वो किसी आजमाइश में मुबतला है। वो एक माँ बाप ही जानता है कि कितनी मुश्किलात से वो गुज़रता है अगर उसका कोई बेटा, कोई बेटी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। वो माँ बाप ही है जो जानता है कि अगर उसकी कोई बेटी या बेटा, कोई स्पेशल चाइल्ड हो, वो ही जानता है कि वो उसके दिल के ऊपर क्या गुज़र रहा होता है। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से हम ये पूछें कि अल्लाह ताला आपने मेरे साथ ये क्यों करा, अल्लाह ताला मैंने ऐसे क्या करा था कि आपने मेरे साथ ये करा, मैं तो इतना बुरा बंदा नहीं हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, मैं मिस्कीन को खाना भी खिलाता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, तो आपने मेरे साथ ये क्यों करा, आपने मुझे ही इतनी मुश्किलात से क्यों निकाला, आपने मुझे ही इतनी परेशानी से क्यों गुजारा। बनता नहीं था अल्लाह ताला। हमारे कुछ दोस्त है यूनिवर्सिटी में, जब अब एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, तो जब वो हमारे रिजल्ट्स आए, तो मेरा एक दोस्त था मुसलमान, तो उसने बोला, यार मुझे समझ में नहीं आता अल्लाह ताला मुझे क्यों फ़ेल करते हैं, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो नहीं फ़ेल करने चाहिए, वो काफिर है उसको फ़ेल करने चाहिए। तो अल्लाह ताला एक मोमिन को, अल्लाह ताला एक मुसलमान को इतनी आजमाइश से क्यों गुजारते हैं, क्यों परेशानी देते हैं इतने? अल्लाह ताला जानते हैं कि आपसे क्या गुजर रहा है, अल्लाह ताला जानते हैं सारे दिल का हाल जानते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाकिया फरमाया कि एक सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके पास कुछ खाने को नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हमारे घर में कुछ है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुभान अल्लाह फरमाया कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी वाइफ से पूछा कि हमारे घर में कुछ है कि हम हमारे गेस्ट को कुछ दे सकें, तो उन्होंने भी फरमाया कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अपनी एक बीवी से पूछा कि हमारे घर में ऐसे कुछ है कि हम अपने गेस्ट को दे सकें, सुभानअल्लाह, उन सब ने बोला कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा कि कोई है जो हमारे गेस्ट को रख सके, हमारे गेस्ट को कोई कुछ खाना खिला सके। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इंशाल्लाह अब आपके गेस्ट को खाना खिलाऊंगा, मैं आपके गेस्ट को इंशाल्लाह आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो सुभानअल्लाह, जब वो घर पहुँचे, उन्होंने अपनी वाइफ से जब पूछा, अपनी बीवी से जब पूछा कि हमारे घर में कुछ खाना है जो हम दे सके अपने गेस्ट को, तो उन्होंने बोला सिर्फ बच्चों के लिए खाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बच्चों को खेलने दें और जब उनके खाने का वक्त आए तो उनको सुला दिएगा। और वो खाना उन्होंने पेश कर दिया और फिर मोमबत्ती और जो लाइट थी वो भी बुझा दी, और सिर्फ ये उनके वो सहाबी और उनकी वाइफ और उनकी बीवी जो है वो सिर्फ ऐसे इजहार करते रहे, ऐसे दिखाते रहे कि वो कुछ खा रहे हैं, असल में वो कुछ खा नहीं रहे थे, सिर्फ ऐसे ही खाली मुंह चला रहे थे। उन्होंने अपने गेस्ट को बिल्कुल खाना पहुँचाया। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बोला कि अल्लाह बहुत खुश है आपके उस अमल से। तो अल्लाह ताला ने अंधेरे में ये भी देख लिया कि उस सहाबी के पास कुछ भी नहीं था घर पे, अपने बच्चों को उन्होंने भूखा सुलाया, खुद भी भूखे सोए, खुद भी ऐसे सिर्फ दिखा रहे थे कि वो खाना खा रहे हैं, असल में खा नहीं रहे थे। पर अल्लाह ताला वो भी जानता था, अल्लाह ताला वो भी जानता है कि किसी काली पहाड़ पे, काले पत्थर के नीचे एक चूंटी का क्या हाल है। अल्लाह ताला आप सबके हाल को जानता है, पर अल्लाह ताला देखना चाहता है, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि आप उन आजमाइशों में से कौन गुजर सकता है। अल्लाह ताला आपको ग्राइंड इस वजह से कर रहा है ताकि आप में से वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो सके, वो रिसोर्स प्रोड्यूस हो सके, वो बंदा प्रोड्यूस हो सके जो अगर वो आजमाइश से गुजरे नहीं वो कभी भी नहीं हो सकता था। मेरे एक उस्ताद हैं, अल्लाह उनको मैं उनका एक सदका बन सकूँ, आमीन। वो अपने एक वाक्या बता रहे थे अपने बहनोई का कि वो बहुत मेहनती माशाल्लाह से शख्स थे, वो एक सेल्स की जॉब करते थे, बहुत जान मारते थे सेल्स के ऊपर, वो इतनी जान कि वो सुबह 10 बजे जाते थे और रात को समझें कि सैरी से बस कुछ मिनटों पहले वो बस वापस आते थे घर, इतनी मेहनत से वो काम कर रहे थे, पर बस कुछ 1000 रुपये मिल रहे होते थे। फिर उन्हें दोबारा किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र करा, यही से थोड़ी सिचुएशन, थोड़ी सी उनको प्रमोशन मिली, पर बहुत जान मार कर थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये मिलते थे उनको। पर फिर एकदम से कोविड की सिचुएशन आ गई, उनकी नौकरी हाथ से निकल गई, अल्लाह ने आजमाइश में डाला उनको। 1 महीना तो गुजर गया ऐसे ही, पर अगले महीने तो नहीं गुजार सके, तो बच्चे हैं घर पे, बीवी है, किराए का घर है, किस तरीके से निकालें। तो किसी तरीके से उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह सबको रीच आउट करा कि अगर कोई काम है किसी तरीके से कोई सपोर्ट कर सके तो वो बताएं। तो इसी वजह उनका एक दोस्त ने उनको बताया कि हाँ यार, मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आप मेरी एक मदद कर लें, आप सप्लाई का काम कर लें, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर लें, मैं आपको सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ला के देते रहूँगा, आपने सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर चूँकि घर तो चलाना था, किसी तरीके से काम तो करना था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा। आजमाइश, पहले वो कहाँ एक वाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, अब एक सप्लाई का काम कर रहे हैं, सुजुकी चला रहे हैं। आजमाइश, अल्लाह ताला किस तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं, किस तरीके से मुश्किल वक्त से उनको निकाल लें, किस तरीके से इतनी परेशानी डाल लें उनकी सिचुएशन में। घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, किराए भी देना है, घर में बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है, कोविड की भी सिचुएशन है, घर भी संभालना है, खाना भी लेके आना है, रमज़ान भी चलना है, सहरी भी करनी है, इफ्तारी भी करनी है, सब कुछ करनी है। पर अल्लाह ताला ने एक मौका निकाला इस पोजीशन के थ्रू। अच्छा, जिस बंदे ने उनको एम्प्लॉय करा था, जिस बंदे ने उनको रखा था, वो इतना ज़्यादा कोई हार्ड वर्किंग नहीं था, वो इतना ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता था बिज़नेस पर। तो उन्होंने देखा कि यार ये शख्स तो बहुत मेहनत कर रहा है, इसको मैं मज़ीद इन्वॉल्व कर लेता हूँ बिज़नेस के अंदर,
तो उसको 50% शेयर और दे दिया, उसको ये बता दिया कि किस तरीके से हमने क्लाइंट लेके आने, किस तरीके से हमने गुड्स मैन्युफैक्चर करने, किस तरीके से हमने चीज़ों को बनाना है, किस तरीके से हमने चीज़ों को स्टॉक करना है, किस तरीके से हमने वेयर हाउसिंग करनी है, किस तरीके से हमने क्या क्या करना है, उसको चीज़ें सब कुछ समझाया और उसको 50% ऑफ द बिज़नेस मज़ीद दे दिया। वो और मेहनत करने लगे और जान डालने लगे और मेहनत से जान से वलवले से काम करने लगे कि आखिरकार उस बंदे ने देखा कि यार यू नो व्हाट, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, एक काम करो तुम ही ये पूरा काम संभालो, मैं कुछ और काम करूँगा। उसको पूरा का पूरा बिजनेस दे दिया। सुभान अल्लाह, एक साल के अंदर अंदर वो बंदे अब खुद अपना बिजनेस के मालिक हैं, उनके नीचे खुद लोग काम कर रहे हैं। कहाँ वो 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते थे, कहाँ वो अब 3-3, 4-4 घंटे काम कर रहे हैं। तो मकसद ये नहीं था कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा, अल्लाह ताला जानता नहीं था कि क्या नहीं हो रहा उस बंदे के साथ। मकसद ये था उस बंदे को, उस रिसोर्स को उस काबिल बनाना, उस प्रोसेस से ग्राइंड कराना, उस प्रोसीजर से निकालना कि वो एक पोजीशन, एक सीईओ लेवल पोजीशन संभाल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ऐसे ही चुटकी में दे सकता था फतह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब हजरत जब ताइफ का वाक़या था, जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन आए तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे बताएं, आपसे हुक्म करें आप सल्लम के दोनों पहाड़ हम एक कर देंगे और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे मिट जाएंगे। तो आप सल्लम की एक दुआ के ऊपर सब कुछ हो सकता था, पर चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रोसेस से निकालना था, मुसलमानों को एक प्रोसेस से गुजारना था, अल्लाह ताला ने इतनी आसानी से चीज़ें नहीं दी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ हो रही हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात गुजर रही हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें गुजर रही हैं, तो ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए है। पर ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला या तो आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, या तो अल्लाह ताला एक बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड के लिए आपको तैयार कर रहा है, या तो अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मोमिन तो वो है कि जब अल्लाह ताला उससे उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलातें, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हों, तो वो खुद परेशान हो जाए कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं है, अल्लाह ताला मुझसे परेशान तो, उसको वो परेशानी हो जाए कि अल्लाह ताला मुझे भूल तो नहीं गया, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आ रही है, कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आ रही है, कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मोमिन तो वो है जो इन चीज़ों के ऊपर परेशान हो जाता है, मोमिन तो वो है जो इन चीज़ों के ऊपर परेशान हो जाता है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि मेरी ज़िंदगी में वो मुश्किलात नहीं गुजार रहा, मेरी ज़िंदगी वो मुसीबत तो नहीं गुजार रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, कोशिश करें कि सब्र से काम लें, कोशिश करें कि इस वक्त को आप गुजारें सब्र के साथ, कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला आपको इस वक्त सिखाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस वक्त जो पोजीशन समझाना चाह रहे हैं, जो आपने इस वक्त सीखना है इस आजमाइश के अंदर, वो आप निकालें उस आजमाइश में से। अगर आप सीखे नहीं उस आजमाइश में से, तो आप क्या निकाल के लेके जाएंगे उसमें से? आप प्रोसेसेस को समझे नहीं, आपने तदब्बुर नहीं करा कि मुझे अल्लाह ताला इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, इसमें मेरे लिए क्या बेहतरी है, वो हम समझ नहीं रहे, पर हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम सिर्फ रिग्रेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मुझे क्यों गुजार रहा है इस चीज़ में से, अल्लाह ताला मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, अल्लाह ताला मेरे साथ ये क्यों कर रहा है सब कुछ। तो सबसे बेहतरीन महीना भी हमारे सामने है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा तदब्बुर करें, सबसे ज़्यादा पॉन्डरिंग्स करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किलात में से क्यों गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे क्यों इस परेशानी में से गुजार रहे हैं, मेरे लिए इसमें क्या रखा हुआ है, मेरे लिए इसमें क्या रिवॉर्ड है, मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, किस तरीके से आगे पहुँच सकता हूँ। दूसरी बात, या तो अल्लाह ताला आपको वापस बुला रहे हो सकता हो कि आपके पास इतनी तरक्की आ गई हो कि आप भूल गए नमाज पढ़ना, हो सकता है कि आपके पास इतनी तरक्की आ गई हो कि आप भूल गए रोज़ा रखना, हो सकता है आपके पास इतनी तरक्की आ गई हो कि आप भूल गए लोगों को खाना खिलाना, हो सकता है आपके पास इतनी ज़्यादा तरक्की आ गई हो कि आप भूल गए अपने माँ बाप को सर्व करना, हो सकता है आपके पास इतनी तरक्की आ गई हो कि आप भूल गए कि भाई मैंने भी ये रोज़ा रखना था, मैंने भी सारे के सारे फ़राइज़ करने थे, मैंने भी अपने रिश्तेदारों को देखना था, मैंने भी अपने माँ बाप को देखना था। तो अल्लाह ताला इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मुश्किलात से गुजार रहा है
कि आप उस मुश्किल वक्त में, उस कमी के अंदर, उस तंगी के अंदर भी फिर आप पैसे देना स्टार्ट करो। जब आपके पास तरक्की थी, पैसा था, तब तो आप भूल गए पैसा निकालना, पर जब आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा परेशान करा, थोड़े से पैसे खींचे आपसे, थोड़े से पैसे रोके आपसे, तो आप तंगी में भी पैसे देने लग गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे अफजल सदका ही वही है कि बंदा इस हाल में दे कि उसको डर भी लग रहा हो कि मैं गरीब ना हो जाऊँ, पर फिर भी वो दे, उसको गुर्बत की डर ना हो। तो या तो फिर अल्लाह ताला आपसे इस मोहब्बत में आपको राज़ी करना चाह रहे हैं कि आप उस सब्र से उस मुश्किल वक्त को, उस परेशानी को गुजार दें, उस मुश्किलात को गुजार दें, ताकि आप एक माय नाज, एक ज़बरदस्त रिसोर्स बन सके, एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकाल सके, एक ज़बरदस्त रिवॉर्ड निकाल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स है, सब आप देखिए कि अल्लाह ताला मोहब्बत कितनी करते हैं, कि एक शख्स है कि वो इतने गुनाह के रास्ते पे है, वो इतना गुनाह कर रहा है, इतनी ज़्यादा वो गुनाह के वक्त गुनाह के ऊपर चल रहा है कि उसके और जहन्नम के फासले के अंदर एक हाथ का डिस्टेंस है। फिर दैट व्हाट इज़ रिटन, जो लिखा हुआ है, वो टेक ओवर कर लेता है, वो हावी आ जाता है और वो जन्नत में चला जाता है। सुभान अल्लाह, ज़रा सोचें कि आप वो शख्स हो कि सारी गलती आपसे ही हो रही हो, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, गलत काम में भी मुबतला हो, गलत गलत चीज़ें भी आप कर रहे हो, रोज़े भी नहीं रख रहे थे, सदका भी नहीं दे रहे थे, ज़कात भी नहीं दे रहे थे, फिर एकदम से अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में वो परेशानी डाली, फिर एकदम से अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में वो मुश्किलात डाली, फिर एकदम से अल्लाह ताला ने वो आपकी ज़िंदगी में आजमाइश डाली, शायद आपसे कोई छीन लिया, शायद आपसे थोड़े पैसे रोक दिया, शायद आपके घर में थोड़ा सा खाना रोक दिया, पर उसके बदले में आपने सारे वो काम छोड़ दिए, नमाज भी पढ़ना स्टार्ट कर दी, रोज़ा भी रखना स्टार्ट कर दिया, गिर गिरा के दुआ भी मांगना स्टार्ट कर दिया अल्लाह ताला से, मिस्कीनों को खाना भी खिलाना सीख कर स्टार्ट कर दिया। सोचें आप हशर के मैदान में हो, सारे लोग आपके सामने, इतने इतने पसीने में डूबे हुए, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ना कि हशर के मैदान में कि लोग अपने वरी के अंदर, अपनी परेशानी के अंदर इतने पसीने में डूबे होंगे, इतने खौफ में डूबे होंगे, इतनी मुश्किलात में डूबे होंगे कि वो एक माँ अपने बेटे को नहीं पहचान पा रही होंगी। सोचे कि आप खड़े हुए उस वक्त हशर के मैदान में, एक एक करके, एक एक करके नाम बुलाए जा रहे हो और लोगों को उनके अमाल पर रिप्रेजेंट करे जा रहे हो, वन बाय वन, उस फलाने बंदे का भी नाम बुलाया गया जिसको आप जानते थे, उसका फिर अमाल और नाम प्रेजेंट किया गया, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बारी आ रही है। आपके दिल में जितना खौफ था, जितनी परेशानी थी, जितनी आपको डर था, वो बढ़ता जा रहा आहिस्ता आहिस्ता, और आप खुद पसीने में इतने डूब गए। आप जरा सोचें ये वक्त, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपकी बारी आई और आपको आपके अमाल प्रेजेंट किए गए सीधे हाथ में, मतलब आपको अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते, जन्नत के दरवाज़ा खोल लें। फिर आप परेशान कि अल्लाह ताला मैंने तो कोई रोज़ा नहीं रखा, मैंने तो कोई नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तो किसी की हेल्प नहीं करी इतनी ज़्यादा, मुझे एकदम से आप जन्नत का तोहफा कैसे दे रहे हैं, मुझे आप किस तरीके से आप इतनी ज़बरदस्त रिवॉर्ड आप मुझे दे रहे हैं। तो आप वो आप अपने अमाल को एकदम से फ्लिप करने लगे पेजेस, देख रहे कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। फिर एकदम से आपके पास वो वाक्य आया कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में वो जो परेशानी डाली थी, उसके बाद आप रोज़ा रखना स्टार्ट करें, उसके बाद आपने नमाज पढ़नी स्टार्ट करी, उसके बाद आप अल्लाह ताला से गिर गड़ा के रोना स्टार्ट करके दुआ करना स्टार्ट करी, उसके बाद आपने अल्लाह ताला के बंदों को आपने हेल्प करना स्टार्ट करी।
सोचें। एंड ऑन द फ्लिप साइड, एंड ऑन द फ्लिप साइड थिंक अबाउट द सेम सिचुएशन, वही रोजाए हशर के दिन आप सोचें कि एक एक करके एक एक बंदे की बारी आ रही है। दुआ भी इतनी करी मैंने, तो रोजा भी इतनी स्टार्ट करा, पर मैंने सबर नहीं करा किसी भी आजमाइश के ऊपर। मैं सिर्फ कंप्लेन करता रहा कि अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों कर रहा हुआ, अल्लाह ताला मुझे ही इतनी मुश्किलात से क्यों निकाल लो, अल्लाह ताला मुझे ही इतनी परेशानी से क्यों निकाल लो, अल्लाह ताला मुझे ही मेरे साथ ही क्यों कर रहा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो पहले वाला शख्स बनाए कि अगर हमारे हाथ में हमारे अमाल पेश किए जाए और हम उस पर से फ्लिप करके देखें, तो मैं वो शख्स हूँ, आप वो शख्स हों कि अल्लाह ताला हमें वो परेशानी के बाद जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत फिरदौस आला नसीब फरमाए। तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी, मुश्किलात हैं, आजमाइश हैं, इस वजह से नहीं आती आपकी ज़िंदगी में परेशानी, इस वजह से आती है कि अल्लाह ताला आपको सुधारना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़बरदस्त एक रिवॉर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़बरदस्त एक रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ों, मेरी कौम, अगर आप भी आजमाइश से अभी इस गुजर रहे हो, चाहे वो दौलत से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो औलाद से रिलेटेड हो, चाहे वो माँ बाप से रिलेटेड हो, सब्र करें, इंशाल्लाह द रिजल्ट, द रिवॉर्ड इज गोना बी मैसिव। शायद इस दुनिया में इतना मैसिव रिवॉर्ड ना मिले, पर आखिरत में तो मिलेगा ना। और मोमिन के लिए आखिरत ही तो जन्नत है, ये दुनिया तो काफिर के लिए जन्नत है, हमारे लिए तो ये एक कैद खाना है। अल्लाह ताला ने जो भी कई सुनी बात में जो गलती थी वो सारी की सारी मेरी थी, जो भी हक बयान करा वो अल्लाह ताला का था और हमेशा से अल्लाह ताला का ही होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जज़ाकअल्लाह खैर। उम्मीद है कोई आपको इस लेक्चर से कोई ना कोई हेल्प मिली हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।